का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है। दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है, नहीं खौफ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप सो आप सब लोग हैं खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग है 6 सितंबर के बारे में। एज अ पाकिस्तानी हम सब पता है कि यार 6 सितंबर को क्या हुआ था। हमारे लिए बहुत फख्र का दिन है ये आज का दिन, डिफेंस डे हमें। बाकी मुझे यार इस डे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एज अ पाकिस्तानी आप सब बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। हमारे गांव में इस 6 सितंबर का इवेंट किया जाता है। सारे लोग इकट्ठे होते हैं और शहदा के कब्रों में जाकर फूल वगैरह चढ़ाते हैं और सब झंडे वगैरह लगाते हैं। तभी भाई की कॉल आई थी कि सुबह सुबह रेडी रहना और जल्दी उठना। वैसे तो मैं लेट उठता था, मगर आज सभी भाई की मुझे रात को कॉल आ गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यार सुबह आपने आकर हमें ज्वाइन करना है। बाकी नवीद भाई भी वहाँ पर होंगे, तो मैं चलता हूँ वहीं पर। इस वक्त हम 6 सितंबर के हवाले से जो शहदाए उनकी कब्रों के ऊपर जो है वो दुनिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम चादर पोशी जो है वो कर रहे हैं। पूरे की चादर और परचम कुशाई की तकरीब जो है वो जारी है। इस वक्त दुनिया वेलफेयर सोसाइटी की यहाँ पे एक मुख्तसर टीम जो है वो यहाँ मौजूद है। पिछले 5-6 सालों से हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि जो हमारे जवान वतन अजीज़ के ऊपर कुर्बान हुए, उनकी कुर्बानियों को ऑन करने के लिए और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए 6 सितंबर में जहाँ पे मुल्क के दिगर हिस्सों में शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाता है, इसी तरह से दुनिया वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम जो है दीगर प्रोग्रामों की तरह यहाँ पर भी 6 सितंबर को शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इस वक्त हम खालिद अमान शहीद की कब्र के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे सामने ये खालिद अमान शहीद के दो नन्हे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आ,
दीगर पुरानों की तरह एक पुरान भी चला आ रहा है कि हम अफवाज पाकिस्तान के बारे में कुछ नाअकवंदेश जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुफ्तगु करते हैं और फलसफी करते हैं, लेकिन यह है कि जब कभी भी कोई बलतरे अजीज के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, दुश्मन की जलदार होती है, तो ये हमारे नौजवान जो हैं अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश करने में किसी तौर पर भी जान जो है वो नहीं कतराते हैं। तो इस हवाले से शहदा की कुर्बानियों को जहाँ पे हम आज कर रहे हैं वहाँ पे हमें अफवाज पाकिस्तान के किरदार को, अफवाज पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं उनको हम जो है मानना पड़ेगा, और इस मौके पे हम अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जब कभी भी कोई कौमी डिज़ास्टर आता है, फ्लड की शक्ल में हो या किसी भी आफत की शक्ल में हो, जलजला की शक्ल में हो, तो हमारे पाक फौज के जवान जो हैं सरहदों की हिफाजत के साथ साथ जो है मुल्क के अंदर जो दरपेश चैलेंजेस होते हैं उनको भी काम करते हैं। अभी लास्ट कल में पाक बैरियर का एक अहली जो है वो दरवाने परवास वहाँ पे क्रैश हुआ और हमारे बहुत प्यारे नौजवान जो है वहाँ पर शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को भी सारी फैशन पेश करते हैं। इस वक्त फिफ्थ वार सरहद मार्च के साथ जो है वो चल रही है और हमारी अफवाज पाकिस्तान जहाँ पर सरहदों पर लड़ रही है वहाँ पे मुल्क के अंदर भी जिस किस्म के जो दहशत गर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे जो है उनके खिलाफ जो है वो उनको आजमा है। तो मेरी कौम से अपील है कि आप अफवाज पाकिस्तान के पीछे इस तरह से खड़े हों जिस तरह से 1965 का एक जज्बा जो था वो अफवाज पाकिस्तान के साथ था, तो आज भी उसी जज्बे की उसी मेहनत और उसी लगन की जो है वो जरूरत है। इस मौके पर हम तमाम शहदा जो अपने अजीज की कुर्बान हुए उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और इसमें बिला तफरीक ये अज़म करते हैं कि जब कभी भी वतन अजीज को इन कुर्बानियों की ज़रूरत होगी, पाकिस्तान अफवाज के साथ इसकी आवाम जो है वो इनके पीछे, इनकी कमर के पीछे सीना तान कर खड़ी होगी। हमारे इख्तलाफात लाखों से ही बेतहाशा से ही, लेकिन हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाक फौज को सलाम। तो यार ये था हमारे गांव का 6 सितंबर के रिलेटेड छोटा सा इवेंट। जो वर्किंग डेज हैं आजकल और वेंसडे चल रहे ना, तो लोग अपने कामों में, ड्यूटियों में आगे पीछे मसरूफ़ हैं। नहीं तो पिछले साल हुआ था वो वीकेंड में था आई थिंक, और काफ़ी लोगों ने शिरकत की थी और बहुत अच्छा इवेंट हुआ था। इवेंट के साथ 14 अगस्त हो गई, आगे पीछे और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं यार जिसमें हमारी ये गाँव की सोसाइटी बहुत ज़्यादा आगे है और हर काम में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। स्पेशली कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा मसले हो गए थे, ये हमारी जो दुमेल वेलफेयर सोसाइटी है यहाँ के लोगों ने काफ़ी इमदाद की थी, लोग भी काफ़ी फंडिंग वगैरह करते हैं और आगे से ये सोसाइटी भी बहुत अच्छा इन्होंने अपना काम किया था। ठीक है यार, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा अभी तक, अगर नहीं किया तो भी कर दो, मेरे लिए नहीं करना तो यार जो वीडियो में जो रियल हीरोज़ की बदले ही लाइक कर दो, पाकिस्तान की खातिर जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, मेरी वीडियो को नहीं करना तो उनकी खातिर एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट 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 करिएगा। ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।